ओके ओके, चल बाय टेक केयर यार। अरे मम्मी, आपको पता है मेरी फ्रेंड चांदनी का शादी सूरत से हो रहा है। आपको इतना सब कैसे पता? चाइल्डहुड लव डेस्टिनेशन वेडिंग विद पेरेंट्स परमिशन। चाची सब जानती है। चाची चाची तो फिर अभी क्या, फिर जाने का उसके शादी में, मस्त खाना वाना खा के आने का। चे वो नहीं तो तुम कब कर रहे? मैं आने तो क्या मैं, हाँ मतलब आपको करने का तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। चुप, तुम शादी कब कर रहे है? अरे यार, आई एम नॉट योर यार। मम्मी यार, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड इज नॉट अलाउड इन दिस हाउस। ये क्या नया लॉजिक है? हाँ ठीक है ठीक है, अलाउड है बट नॉट विदाउट माय अप्रूवल। मम्मी बॉयफ्रेंड पे अप्रूवल्स बेस्ट फ्रेंड्स देते हैं यार। वो भी है। एग्जैक्टली पर तुम, ए तुम टॉपिक मत चेंज करो। तो मतलब तुम्हारा बीएफ है? अरे नहीं है बीएफ। तो मई जो इतना अच्छा अच्छा लड़का का रिश्ता तुम्हारे लिए लेके आती है, तुम सबको रिजेक्ट क्यों करता है? मम्मी एक तो आप ऐसे ऐसे रिश्ते लेके आते हो ना जिसके साथ मैं एक नंबर की अतरंगी अनार लगूंगी, एंड सेकंड ऑफ ऑल मुझे शादी नहीं करना है। ऐसे ऐसे बात नहीं करने का। तुम्हारा उम्र में आपके दो बच्चे थे, पता है सबको पता है, पूरे गाँव को पता है की मेरे उम्र में आपके दो बच्चे थे। हाँ, और मई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभाया, इसके लिए तुम ऐसा ट्रैशी बिहेवियर के साथ बड़ी हुई। क्या तुमको क्या लगता है इंग्लिश सिर्फ तुमको आता है? हाँ मैं पागल बैठी इधर, और शादी नहीं करने का है तो क्या करने का है? हाँ ड्रिंकिंग, ये सब पहेंगे, ड्रिंकिंग करने का है, स्मोकिंग करने का, तुमको स्मोकिंग, व्हाट पार्टी, हाँ पार्टी करने का है। मॉडर्न गर्ल यू आर, फास्ट फॉरवर्ड गर्ल यू आर। तुमको ना फ्रीडम नहीं देना चाहिए था, गाँव में बड़ा करना चाहिए था तुमको। क्या अफेयर्स रखने का है ना तुमको, मल्टीपल अफेयर्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखने का है तुमको। अरे नहीं यार मम्मी, तो क्या करने का है? जिसको भी शादी नहीं करने का उसको क्या सिर्फ पार्टी करते रहने का है? हाँ तो और क्या है उनको करने के लिए? लक्ष्मी का बेटी का शादी हो गया यार, फिर से चालू हो गया। सुरेश का बेटे का भी शादी हो गया, अनीता के बेटे का भी अभी शादी हो रहा है। वही तुम क्या मुझे याद दिला रहे हैं? हाँ ऐसे ही, अरे मतलब मैं आपको हेल्प कर रही थी याद दिलाने में, मेमोराइज करने में। चुप बैठो तुम, तुमको छोड़ के सबका शादी हो रहा है, सबका। ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा ही है यार। मम्मी शादी करने के लिए पेरेंट्स का अप्रूवल का जरूरत है। मेरा अप्रूवल चाहिए? तुम्हारा अप्रूवल क्यों चाहिए? एक्सक्यूज मी, तुमको फ्रीडम दिया ना तुम पूरे गांव बेच के आ जाएगा। शादी करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बस एक लड़का मिलना चाहिए। क्या लड़का मिल गया ना तो पकड़ के शादी कर देना चाहिए। कुछ भी सोच लो तुम, तुमको जिधर जिधर घूमने का है शादी के बाद घूमने मिल जाएगा। अरे वो तो आपको भी थोड़ा मना लिया तो आप भी छोड़ देते हो। हाँ वो भी है। All your friends are married. No, they're not. Most of your friends are married. No, they're not, Shalu. तो Facebook पे इतने लोगों का जो शादी होता रहता है वो है कौन? कहीं आपके दोस्तों ने? काम के नीचे मारेगी मैं तुमको, कुछ भी बोलता है। मेरा हमेशा से बस एक ही तो सपना था, अपना बच्चे का शादी देख के मैं जाओ था। मतलब आपका सब ठीक है ना? Hey, मेरे सिस्टम में सब कुछ ठीक है, तुम्हारा स्क्रू ढीला है, इसके लिए मैं रो रही है। ओ फिर ठीक है यार मम्मी, आप ऐसे कुछ भी बोल के डराते क्या हो यार? What are you doing, Charles? Over smart, तुम मेरे साथ बनो ही मत तुम। हेलो, हाँ हाँ बोलना। अरे हाय, कैसी है? क्या ओ कॉन्ग्रेचुलेशंस, वाओ सही है। हाँ आती हूँ, चल करती हूँ। देखो अभी कॉल करना था तुझे भी, कुत्ते की बच्ची, मस्ती कर रही हूँ। बाय, कांग्रेचुलेशंस, बाय, टेक केयर। पूजा का कॉल है ना, उसका भी किसी दूजे के साथ शादी हो रहा है। कुछ सब कुछ कैसे मालूम पड़ जाता है यार? चाची सब जानती है। किधर भाग रहे तुम, किधर भाग रहे? इधर आओ तुम, इधर आओ, चश्मा गिर गया मेरा, इधर आओ तुम, मारेगी ना तुमको। What's up, guys? Of late, a lot of my friends are getting married. Even this coming weekend, somebody very close to me is getting married. And every time somebody gets married, this is the exact scenario that happens at my place. And I don't understand the scientific logic behind why I should get married when somebody else is getting married. This amagaru. I'm like this is 96, and मुझे शादी करने को बहुत time है यार मम्मी, यार Charles, यार Pals. Let me know in the comment section below अगर तुम लोग भी यही same situation से जा रहे हो और मेरा दुख समझते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल द कंट्रोवर्शियल किड। बाय।